नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यन्दु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। मैं जो बाय सेल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी के थ्रू में मैंने आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ, वो कल के लिए मतलब 11 दिसंबर 2019 के लिए मैंने मेरा बाय सेल लेवल स्किनर से कुछ स्टॉक्स चुना है स्क्रीनिंग करके, उसको मैंने दिखाऊंगा। उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल दिखाऊंगा और कमोडिटी का लेवल दिखाऊंगा और कुछ फ्यूचर्स का लेवल दिखाने का कोशिश करूंगा। उसके पहले मैंने कुछ इसलिए आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन जो मैंने रेगुलर बेसिस पे देता हूँ वो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये बाय सेल लेवल का रिकमेंडेशन आप लोग को मिल जाएगा और बहुत सारा चीज़ जो चार्ट का सेटअप है, बहुत स्टॉक्स कैसे चुनना है इंट्राडे में, लॉन्ग टर्म में, और पेयर ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज, बहुत सारा चीज़ आप लोग को सीखने के लिए मिल जाएगा जो कि आप लोग को ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो बाय सेल लेवल मैंने दिखाऊंगा, उसके पहले मैंने कुछ बात बोल देना चाहता हूँ जो कि मैंने रेगुलर बताता हूँ, जो लोग नाना जान करता है वो लोग नहीं जानता है। ये मैंने बाय सेल लेवल कम स्किनर और बाय सेल लेवल फाइल दोनों फाइल बनाता हूँ। तो इसमें बाय सेल लेवल 1 रहता है, बाय सेल लेवल 2 रहता है और बाय सेल लेवल 3 रहता है बाय सेल लेवल कम स्किनर में। और इसमें बहुत सारा चीज़, बहुत सारा इंडिकेटर रहता है जो देखे आप लोग स्क्रीनिंग कर सकता है, वोलेटिलिटी, डिलीवरी परसेंटेज, चेंज इन प्राइस, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और कुछ ईएमए का क्रॉसओवर जो मैंने कैलकुलेट करके इधर रखा है। तो इधर ये आप लोग देख सकता है, इधर से कैलकुलेट करके सब रखा है। आप लोग चार्ट पे भी इसको चेक कर सकता है। आप लोग ये स्टॉक्स में चेक करेंगे तो डेली बेसिस पे चेक करेंगे, वन डेली चार्ट में आप लोग चेक कर सकता है इसको। और ये सब ईएमए का क्रॉसओवर, उसके बाद प्रोबेबिलिटी और ईएमए 5/13 बोलिंजर बैंड, प्राइस चैनल, ये सब आप लोग इसी में को क्लाउड, ये सब आप लोग BWAP टिटन लेवल, ये सब आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और इधर भी और भी कुछ है, प्रीवियस रेंज ब्रेकआउट 5/30 में क्रॉस ओवर, 12/16/9 ए में क्रॉस ओवर, ये सब आप लोग को ये सब देखे आप लोग स्क्रीनिंग कर सकता है। ये सब लगा हुआ है बाय सेल लेवल कम स्किनर में। और बाय सेल इस सीट में बाय सेल लेवल ओनली बाय सेल लेवल 3 रहता है, बाय सेल लेवल 3 में जो कि मेरा सबसे मोस्ट रिकमेंडेड है क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट लेवल है। इसमें बाय सेल लेवल 3 को मैंने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में डिवाइड किया और अप ट्रेंड में भी बाय सेल लेवल रखा और डाउन ट्रेंड में भी बाय सेल लेवल रखा है, क्योंकि अप ट्रेंड जब ऊपर और भी ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल पे पकड़ना सही रहेगा जो आपको सियोर प्रॉफिट दे सकता है। अप ट्रेंड जब नीचे आएगा रेड टेस्ट होकर वो कौन सा लेवल पे इसको एंट्री लेना है, डाउन ट्रेंड और भी नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल पे उसको सेल करना है, डाउन ट्रेंड जब रेड टेस्ट होकर ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल पकड़ना सही रहेगा कि ताकि आप लोग को सियोर प्रॉफिट दे सकता है। और कौन सा लेवल पे कौन सा स्टॉक्स है वो आप लोग को इधर से दिख जाएगा और ये इसको आप लोग स्क्रीनिंग भी कर सकता है 5/30 का कि हमें क्रॉस ओवर देखे। और भी इधर भी और कुछ इंडिकेटर लगा हुआ है जो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल होगा, 100 डे में क्रॉस ओवर, 955 में क्रॉस ओवर, 14 में क्रॉस ओवर और 330 है, 534 है, 320, 50 and 320, 50 and 100 का क्रॉस ओवर, ये सब देख के आप लोग स्क्रीनिंग कर ले सकता है। और जो बाय सेल लेवल 3 मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो सबसे सेफेस्ट है, उसमें मैंने अलग से फाइल देता हूँ, तो इसमें भी वो मैंने बोल दिया है अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। और इसमें कुछ और भी इंडिकेटर लगा हुआ है, 534 में क्रॉस ओवर और प्रीवियस रेंज का प्रीवियस रेंज के साथ करंट हाई, करंट लो और करंट क्लोज का कंपेयर करके आप लोग इसको स्क्रीनिंग कर सकता है। मेरा स्क्रीनिंग वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़, और परफॉर्मेंस वाला वीडियो भी जरूर देखिए। तो मैंने आज का लेवल दिखाता हूँ, देखिए ये स्टॉक्स मैंने चुना हूँ तो इसका बाय सेल लेवल आप लोग नोट कर सकता है। इसमें बाय सेल लेवल 1 में बाई ऑफ लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ और टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएं तरफ। कोई भी स्टॉक जब इसका
सोच लीजिए, ये 495 से 495 से 495 और 497 का बीच में ओपन हुआ है, तो आप लोग 495 के ऊपर ऊपर 495.990 के ऊपर एंट्री लेके इस टारगेट के लिए आप लोग एंट्री ले सकता है। इस टारगेट और इस टारगेट के अंदर बीच में ओपन होगा, तो ऐसे करके आप लोग ट्रेड ले सकता है। सेल साइड में भी ऐसे कर सकता है। एक ये बाय सेल लेवल 1, बाय सेल लेवल ये है, बाय सेल लेवल 2 और बाय सेल लेवल 3 को आप लोग को दिखा देता हूँ। यह बाय सेल लेवल 3 जो R1 R2 है, ये सब एंट्री लेवल है और ये सब टारगेट है। और सेल का भी ऐसा, ये S1 सेल का एंट्री लेवल है और उसके बाद ये सब टारगेट है। और ये पिवट पॉइंट भी जो ट्रेडिशनल पिवट पॉइंट है, स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट, वो भी आप लोग को दिखा दिया। अच्छा, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैंने देता हूँ। जो लोग मेरा निफ्टी और बैंक डायरेक्शन देखा है, मैंने बोला था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल दिखा दूंगा, तो अभी मैंने आप लोग देख लीजिए, ये बाई से लेवल 1 में आप लोग काम कर सकता है, इसको भी देख सकता है। बाई से लेवल 2 को भी फॉलो कर सकता है, ये बाई से लेवल 2 और बाई से लेवल 3 को भी आप लोग फॉलो कर सकता है और इसका पिवट पॉइंट भी आप लोग देख सकता है। पिवट पॉइंट का स्टैंडर्ड जो पिवट पॉइंट है, उसका हिसाब से भी आप लोग इसका अप या डाउन से आप लोग काम कर सकता है। और कमोडिटी का लेवल आप लोग को दिखाता हूँ, इसका एक ही लेवल दिखाता हूँ, इतना शायद टाइम में नहीं मिलेगा। और कुछ फ्यूचर्स का लेवल आप लोग को ऐसे ही दिखा देता हूँ, कोई स्क्रीनिंग नहीं किया, तो ये आप लोग नोट कर सकता है। और ये फाइल मैंने, ये पूरा फाइल जिसमें 150 FNO स्टॉक्स है, कमोडिटी का लेवल रहता है, निफ्टी का और बैंक निफ्टी का लेवल रहता है, फ्यूचर्स का लेवल रहता है, ये मैंने फाइल शेयर करता हूँ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर, वो आप लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है। ये इसका डाउनलोड करने का लिंक भी दिया जाएगा और इसका व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया जाएगा। और परफॉर्मेंस वाला वीडियो भी आप लोग, पहले वाला जो परफॉर्मेंस है उसका वीडियो भी आप लोग इधर से देख ले सकते हैं। और जो देखिए इतना सारा मेरा जो चार्ट का सेटअप है, उधर से भी आप लोग को कॉल ले सकता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप पे, उस आप लोग फिर सर्विस लेंगे तो पहले फ्री ट्रायल आप लोग देख ले सकते हैं। तो मैंने कुछ ये तो देखिए, स्टॉक ट्रेडिंग में जो अभी आप कोई भी कितना जितना आपको कोई कितना लेवल पे आप लोग का एक्यूरेसी हो, कितना लेवल कितना स्ट्रांग हो, कितना चार्ट सेटअप कितना भी स्ट्रांग हो, तो अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात आप लोग को याद रखना पड़ेगा, याद रख कर डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप लोग को सक्सेस मिलेगा। कीप योर रीजन एक्सपेक्टेशन ऑलवेज रीजनेबल फ्रॉम स्टॉक मार्केट, ऑलवेज ट्राई टू कीप योर कैपिटल प्रोटेक्टेड फर्स्ट, पोजिशन साइजिंग एंड स्टॉप लॉस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्टॉक मार्केट। आई कैन क्लेम आई हैव 90% एक्यूरेसी, आई हैव लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स एंड एक्सपीरियंस एंड आई हैव एनालाइज्ड थॉरली वेयर आई एम मेकिंग मिस्टेक्स, इट इज़ द पेशेंस टू एंटर द करेक्ट एंट्री। आप लोग भी जो लोग ट्रेड करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ एग्रीड होगा, पोजिशन साइजिंग एंड स्टॉप लॉस, सो सेफ एंट्री इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हिच वी हैव। हम लोग को पेशेंस नहीं रहता है, हम लोग ज़्यादा जल्दी एंट्री ले लेता हूँ। हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड फर्दर मिनिमाइज दैट परसेंटेज ऑफ रिस्क यू हैव नो कंट्रोल, दैट्स व्हाई आई हैव मेड द चार्ट एंड कैलकुलेशन इन सच वे व्हिच गिव्स मी द सेफेस्ट एंट्री एंड स्टिल फर्दर मिनिमाइज थ्रू एजिंग। पेशेंस, डिसिप्लिन और सेफेस्ट एंट्री के लेवल लाने के लिए आप लोग को पेशेंस रखना पड़ेगा। हैव टू गिव अप बोथ फियर एंड ग्रीड, नोबडी कैन बी 100% एक्यूरेट, यू हैव टू एक्सेप्ट लॉस्ट, अदरवाइज यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट। ट्राई टू यूज हेजिंग मेकानिज्म लाइक पेयर ट्रेडिंग, हेजिंग विथ ऑप्शन एंड आर्बिट्रेज टू मिनिमाइज दैट परसेंटेज ऑफ लॉस व्हिच यू हैव नो कंट्रोल एंड बाउंड टू एक्सेप्ट। डोंट फॉल प्रे द गेमिंग ऑफ 100%, जो लोग कुछ लोग एडवरेज करते हैं 100% एक्यूरेट दे सकता है, आप लोग का लॉस रिकवरी कर देगा है, लेकिन कम स्टॉक मार्केट में आइए प्रॉफिट करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, लॉस नॉट फर्स्ट लॉस रिकवर करने के लिए।
20-30% per day आप लोग को रिटर्न देगा, ऐसा कुछ बोलेगा, लेकिन नो ट्रेडर और ट्रेनिंग प्रोग्राम कैन मेक एनी मैजिक, ट्राइंग टू डू सो यू विल इनविटेबली मेक लॉस।